गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ब्रजभाषा। हमने कल परसों दो दिन पहले हिंदी भाषा का उद्भव विकास पढ़ा, उसके बाद में खड़ी बोली की विशेषताएं पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे ब्रजभाषा का अर्थ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इनका हम विस्तृत और क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले ब्रजभाषा का अर्थ क्या है इसको स्पष्ट करेंगे और उसके बाद में हम ये कुछ इसकी विशेषताएं जो खड़ी बोली से ब्रजभाषा को अलग करती हैं या अपभ्रंश को अन्य बोलियों से ब्रजभाषा को अलग करती हैं उन विशेषताओं को पढ़ेंगे। ब्रजभाषा का वैसे देखा जाए तो पुराना अर्थ होता है पशुओं या फिर गौओं का समूह, या तो पशुओं का समूह या गौओं का समूह या फिर चारागाह, इनसे इसका अर्थ लगाया जाता है। पशुपालन के प्राधान्य के कारण ये क्षेत्र ब्रज कहलाया। इस क्षेत्र में पशु खूब हैं, विशेष रूप से गायें अधिक हैं और इनकी अधिकता के कारण यह क्षेत्र हैं जो ब्रज कहलाता है। इसी आधार पर इसकी बोली है ब्रज भाषा कहलाई। इसका विकास सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। किसमें? सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ। ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? उस क्षेत्र में आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में ये बोली बोली जाती है। इस भाषा में या ब्रजभाषा में साहित्य भी प्रचुर मात्रा में है और लोक साहित्य भी। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी, भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा साहित्य में साहित्य रचना होती रही है। इस भाषा के या ब्रजभाषा के कवि हैं, प्रसिद्ध कवि रहे सूरदास। इन्होंने ब्रजभाषा में ही कृष्ण के काव्य को लिखा। फिर तुलसीदास का नाम आता है। तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली जो है वह ब्रजभाषा में लिखी है। नंददास हैं, रहीम हैं, रसखान हैं, बिहारी ने बिहारी सतसई हैं ब्रजभाषा में लिखी और दोहा शैली में लिखी गई है। देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि कहे जा सकते हैं। अब हम एक एक करके इस ब्रजभाषा की विशेषता को पढ़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं तो ब्रजभाषा में अकारांत क्या है? अकारांत, अ से अंत होने वाले शब्द अकारांत। अकारांत अनुनासिकता की प्रवृत्ति मिलती है। क्या मिलती है? अकारांत अनुनासिकता की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे कह, मह, अंधार, तो ये शब्द जो हैं अकारांत हैं और अनुनासिक शब्द हैं, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति हैं इस काव्य में मिलती हैं।
दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इस भाषा में ण की जगह पर कहीं न का प्रयोग किया जाता है और कहीं न की जगह ण का किया जाता है, ठीक है ना। कि कहीं कहीं ण की जगह न का प्रयोग कर लेते हैं और कहीं पर ण की जगह न का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमने पहला शब्द लिया है कवन, तो यहाँ पर कवन कोन के लिए आया है, तो यहाँ पर क व न होगा, उसकी जगह इन्होंने ण का प्रयोग कर लिया। दूसरा शब्द हमने लिया है गणपति, वहाँ ग न पति लिखा है, तो यहाँ पर ब्रज भाषा में गणपति कर दिया है, जबकि होना चाहिए न की जगह ण होना चाहिए। तो इन्होंने कहीं न की जगह न का प्रयोग किया है और कहीं पर ण की जगह न का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति इसमें मिलती है। फिर अपभ्रंश की ही छोटी ही जो कारकीय विभक्ति ब्रजभाषा में ही हो गई है, क्या हो गई है, ही हो गई है। जो कारकीय विभक्ति अपभ्रंश की ही है वही ही हो गई है। अगली चौथी विशेषता ये है कि ब्रज भाषा में ही अपभ्रंश भाषा से ही, किससे, अपभ्रंश भाषा से ही ब्रज भाषा के परसर्ग निकल रहे थे, इसलिए ऊपरी परी पे केरव को के की मझे मांझ माह जैसे परसर्ग ब्रज भाषा में विकसित हुए। किसके प्रभाव से, ब्रज भाषा में विकसित हुए और प्रभाव रहा अपभ्रंश का। इसके अतिरिक्त कुम कहूँ ते तो जैसे परसर्ग भी चल रहे थे। फिर आगे हमारी अगली विशेषता है अपभ्रंश के ही सर्वनामों से ब्रजभाषा के सर्वनाम निकले हैं। जैसे हौ को ब्रजभाषा में हो कर दिया, मई को ब्रजभाषा में मैं कर दिया, आई को ब्रजभाषा में वो कर दिया और तव को तू कर दिया। तो इस प्रकार से अपभ्रंश के कुछ अपभ्रंश के शब्दों को या पर सर्वनाम शब्दों को बदल करके हमने ब्रजभाषा में हों, मैं, वो और तू कर दिए हैं। फिर अगली विशेषता आती है कि ब्रजभाषा के क्रिया रूप भी अपभ्रंश से ही निकले हैं। क्या निकले हैं, कि ब्रजभाषा के जो क्रिया रूप हैं वह भी अपभ्रंश भाषा से ही निकले हैं। जैसे दीनी, दीनी को हमने क्या कर दिया, दीनी। चुक्कई, चुक्कई को हमने कर दिया है चुक्यो। और गावई को हमने गावें। इस प्रकार से हमने कुछ ब्रजभाषा के क्रिया रूप भी अपभ्रंश से ही ले लिए हैं। हम यहाँ देखते हैं कि ब्रजभाषा में 12 स्वर होते हैं। कितने स्वर, कितने हैं ब्रजभाषा के, 12 स्वर माने हैं। फिर ये औ का उच्चारण हमने ब्रजभाषा में कुछ बदल करके अय कर दिया, औ कर दिया, अय और औ, इसी तरह इसका उच्चारण होता है। फिर अगली जब समस्या आती है, विशेषता है, वह है री ध्वनि की।
ब्रजभाषा में ऋ ध्वनि भी मिलती हैं, लेकिन उसका उच्चारण जो है वह जैसा हम खड़ी बोली में करते हैं री, उसी री की भांति होता है। इस री का उच्चारण जो जिस रूप में वैदिक युग में होता था वैसा न तो ब्रजभाषा में हुआ न ही खड़ी बोली में हुआ। लिखने में इसका उपयोग किया गया लेकिन उच्चारण में इसका उपयोग री की भांति हुआ। फिर अगली विशेषता है ण्य। ण्य का उच्चारण य की तरह हुआ। ण्य का उच्चारण किसकी तरह हुआ? य। और फिर ण का उच्चारण ड की तरह हुआ। ण का उच्चारण ड कर दिया। हम देखते हैं कि ब्रजभाषा में ओकारांत या औकारांत की प्रवृत्ति है, किसमें शब्द के अंत में औ या औ शब्द या वर्ण आते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया सभी तरह यह प्रवृत्ति मिलती है, यानी यह प्रवृत्ति जो है औकारांत की और औकारांत की सब जगह मिलती है। जैसे घोड़ों, घोड़े को हमने क्या कर दिया है? घोड़ा। उसी प्रकार से सांवरों, सांवरे को हमने सांवला कर दिया है। छोरो, मेरो, ये आदि जो शब्द हैं वह ओकारांत शब्द हैं। अगली हम विशेषता लेंगे ब्रजभाषा में व्यंजन या संयुक्त अक्षर में द्वित की प्रवृत्ति मिलती है। किसकी प्रवृत्ति? ब्रजभाषा में चाहे व्यंजन हो चाहे संयुक्त अक्षर में द्वित की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे द्वादशी, दासी, खर्च को खचू कर दिया है, तो इस प्रकार से द्वित वर्णों का भी उपयोग इसमें हुआ है। फिर एक और विशेषता है ल और ड की। इन दोनों का उच्चारण जो है ब्रजभाषा में ल और ड का र के रूप में होता है। जैसे रावल, रावल को हमने ब्रजभाषा में क्या कर दिया है? रावर कर दिया है, तो ल को र कर दिया है। उसी प्रकार से बीड़ा, डा का हमने क्या कर दिया है? रा कर दिया है, बीरा कर दिया है, बीड़ा को बीरा कर दिया है। बहुवचन ब्रजभाषा में मानक हिंदी की तरह ही हैं। किसकी तरह हैं? मानक हिंदी की तरह ही मिलते हैं और बनते भी हैं, लेकिन उनका उच्चारण भिन्न सुनाई पड़ता है। जैसे लटे, तो यहाँ पर हम लटे में इस प्रकार से लिखते हैं खड़ी बोली में, ये हैं आपके लटें। किसकी हैं? ये तो ब्रजभाषा में हैं, इसको हम खड़ी बोली में लटें करते हैं। उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है, बाकी एक जैसा ही लिखते हैं। जैसे किलोले, ये ब्रज का रूप है और हिंदी का रूप ये हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर नज़र आता है लिखने में और उच्चारण करने में। तो आज हमने ब्रजभाषा की कुछ विशेषताएं पढ़ ली, जिसमें हमने उसका अर्थ कर लिया है,
हमने उसका क्षेत्र कर लिया है, हमने उसके प्रमुख कवि कर लिए हैं और ये उसकी प्रमुख विशेषताएं हो गई हैं। इसमें ब्रजभाषा में अकारांत अनुनासिक शब्दों का प्रयोग होता है, न की तरह कहीं न तथा कहीं न को न बना दिया जाता है, अपभ्रंश की ही कार्य की विभक्ति ही हो जाता है और अपभ्रंश में अपभ्रंश से ही ये कह सकते हैं कि ब्रजभाषा के परसर्ग निकले हैं। फिर अपभ्रंश के सर्वनामों में ही ब्रजभाषा के सर्वनाम भी निकले हैं, फिर क्रिया रूप भी अपभ्रंश से ही निकले हैं। ब्रजभाषा के 12 स्वर होते हैं, ए और औ का उच्चारण अय और औ की तरह करते हैं, री ध्वनि की यहाँ पर मिलती हैं और इसका उच्चारण री की भांति होता है। तो ये कुछ हमने इसकी विशेषताओं का जिक्र किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरा यह ब्रजभाषा संबंधी विशेषताओं को लेकर जो विवेचन है कैसा लगा, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।